जी यामाहा FGS 150cc वर्जन 3, फुल डिटेल अबाउट व्हीकल्स यामाहा। जी हाँ, देखिए आपके सामने ये गाड़ी है यामाहा FGS वर्जन 3। आज इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, क्या फीचर्स है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इसका टॉप स्पीड है, कितने गियर में, जो टॉप गियर क्या है इसका, और कौन सी टायर है, इंजन कितना कैपेसिटी है, हॉर्स पावर क्या है, टैंक कितना कैपेसिटी है, क्या फीचर्स है इसमें, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप FGS लेना चाहते हैं तो आपको घर बैठे ही सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको अच्छे से सारा वीडियो दिखा देता हूँ, ये गाड़ी को चारों तरफ से मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ स्लो स्लो, ताकि आपको समझने में आसानी हो और डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिले। जी हाँ, ये गाड़ी 150 सीसी की है और इसका जो हॉर्स पावर आता है 12.4, टैंक कैपेसिटी है और 12.8 यानी 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी है। फ्रंट में आप देख रहे हैं इसका जो टायर है, वो दोनों टायर जो ट्यूबलेस टायर है, रिम ये जो ब्लू कलर में आता है, साथ में ABS ब्रेक लगा हुआ है इसमें, देखिएगा इसमें वो ABS ब्रेक लगा हुआ है। शॉकर इसका टेलीस्कोपिक शॉकर आता है, रफ रोड में बहुत ही स्मूथ है, वो झटका पेन वगैरह महसूस नहीं होगा यहाँ पे। नीचे में देखिएगा वो इंजन गार्ड लग के आता है इसमें, और 150 सीसी का इंजन है। यहाँ पे ये क्रोम फिनिशिंग लगा हुआ है, ये जो मॉडल है यामाहा FGS वर्जन 3 डिलक्स मॉडल, रिम इसका ब्लू है, फ्रंट और रियर बोथ द साइड जो ब्लू रिम आता है। ब्रेक की बात करेंगे तो ब्रेक, ये जो ब्रेक दिया हुआ है साइलेंसर में कवर दिया हुआ है, मोफलर कवर है, साउंड पोल्यूशन नहीं होता है। टायर का साइज भी काफ़ी जो मोटा है, ताकि रोड पर ग्रिपिंग और बैलेंस बना रहे। पीछे में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, साथ में ये आपको जो गार्ड दिया हुआ है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। इंडिकेटर इसका फ्लेक्सिबल आता है, अनब्रेकेबल आता है, टूटेगा नहीं आपका, ये आपको रेडियम लगा हुआ है। पीछे में जो है ये आप LED लाइट आता है, ग्रिप, ये ग्रिप बार बोलते हैं इसको, ये पकड़ने के लिए ब्लैक कलर में है। सीट इसका बहुत ही लंबा है और समय पड़ने पे 3 व्यक्ति इस पे बैठ सकते हैं, ऐसे जो 2 लोग ही अलाउ है टाउन में। पेट्रोल टैंक के लिए दिया हुआ है, साथ में टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ब्लू कोर लगा हुआ है, ब्लू कोर है जो साफ पिकअप, स्मूथ राइडिंग, इजी हैंडलिंग और झिकझक, ये इसकी क्वालिटी है। वो इग्निशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे में यहाँ पे दिया रहा था लेकिन इसका अलग दिया हुआ है इग्निशन। और पावर ऑन का बटन है, सेल्फ है, पासिंग और अपर डिपर एक ही में दिया हुआ है। और डिस्प्ले मीटर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में दिया हुआ है, ये आपको नंबर प्लेट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे कलर है ये ग्रे, ग्रे ब्लू इसको बोलते हैं इस कलर को, इस कलर को ग्रे ब्लू बोलते हैं। मेन स्टैंड और साइड स्टैंड लगा हुआ है इसमें, साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ आता है, अगर आपका साइड स्टैंड गिरा हुआ है और गाड़ी गियर में है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मड गार्ड इसका ब्लैक कलर में है और फ्लेक्सिबल है, देखिएगा इतना इसमें 2 इंची का गैप है लेकिन ये फ्लेक्सिबल है,
टायर में सड़ जा रहा है, तो ये टूटता नहीं है जल्दी। एलईडी लाइट है, डायमंड कोटेड एलईडी लाइट। ये एक तरह का फेस लुक है, डायमंड कोटेड एलईडी लाइट और डुअल सेपरेट है, साथ में हैलोजन बल्ब भी लगा हुआ है छोटा सा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे से तो इसके अंदर एक हैलोजन बल्ब भी लगा हुआ है, पीला लाइट है, छोटा सा है, वो आपको काम आता है कोहरे में। हॉर्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो काफ़ी पावरफुल हॉर्न है। साइड स्टैंड में देखिएगा यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है, साइड स्टैंड में यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है ताकि आपको ये साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ है, ये गिरा हुआ रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी आपकी, मूव नहीं करेगा। ये भी इंडिकेटर है जो फ्लेक्सिबल है, अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं, आपको ये सब क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये एक्सीलेटर है, यहाँ पे लगा हुआ है टीपीएस थ्रोटल सेंसर पोजीशन, गाड़ी का कितना स्पीड है, रैम का क्या पोजीशन है, उसको देख के ही तेल की सप्लाई करता है। ये एफआई इंजन है लेकिन ये ड्राई एफआई है, इसमें पेट्रोल स्टॉक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेट्रोल स्टॉक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। और बहुत अच्छा इसका माइलेज है, 50 प्लस का माइलेज कस्टमर क्लेम है कि 50 से ज़्यादा माइलेज का इसका फीडबैक आता है। BS6 में ये गाड़ी है और बहुत ही डिमांडेबल है, यामाहा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी ये है, और यामाहा का जो है गाड़ी वो जो देखते ही पसंद आ जाए और चलाने का मन करे वो चीज़ यामाहा बनाती है, तो आप जानते हैं इस बात को। तो अगर आप 150 सीसी में गाड़ी लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छी गाड़ी यही मानी जाती है स्पोर्ट बाइक में। ये काफ़ी क्वालिटी है इसमें और काफ़ी इसका बैलेंसिंग भी है, ब्रेकिंग भी अच्छा है और मार्केट फीडबैक भी अच्छा है, लुक में कोई कमी नहीं है। अगर आपको एक स्टाइलिश गाड़ी की अगर आप तलाश कर रहे हैं 150 सीसी में तो सबसे बेस्ट यही गाड़ी है, इससे बड़ा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, हीरो के पास भी नहीं है, होंडा के पास भी नहीं है। देख सकते हैं इसका जो है लुक वाइज एकदम डिफरेंट है। साइड से देख सकते हैं साइड लुक कैसा है, एक अलग फीलिंग देगा आपको बैठने के बाद। जो कलर भी बहुत ही अच्छा अच्छा है इसमें, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, यूनिक है एकदम, कोई कमी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस गाड़ी को। 150 सीसी में पहला ऑप्शन यामाहा ही आता है, यामाहा जो है वो 150 सीसी में बेचने में इंडिया का नंबर 1-2 व्हीलर कंपनी बन चुकी है। तो ये सब क्वालिटी आती है, क्वालिटी वो जो समझ में आए और उसका टाइमिंग ड्यूरेबल लंबा हो उसी को क्वालिटी कहते हैं। तो यामाहा का FGS करीब मार्केट में 18 सालों से है, इसमें कभी कोई शिकायत नहीं आई है आज तक इस गाड़ी में। तो आप इस गाड़ी को परचेस करें, 150 में अगर आप लेना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आपके पास यही है, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज होता है। लुक देखिए, लुक एकदम गजब का है इसका। LED लाइट देखिएगा तो ये एक तरह से आपको स्टाइल में दिखता है, जलने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। डुअल सेपरेट LED लाइट है, क्रोम फिनिशिंग के साथ है, ये क्रोम है, चमकता है। अगर गाड़ी की लाइट पड़ेगा तो ये चमकता है, तो रात में सेफ्टी का काम होता है। तुम बाहर आ,